तो ये आपका हो गया। तो मेथड का थोड़ा समझिएगा पैटर्न क्या होता है। देखिए सभी मेथड वाले समझिएगा, देखिए सभी मेथड का पैटर्न एक तरह से देखा जाए तो आपका सेम ही होता है, समझे। क्वेश्चन पूछने का तरीका जो होता है सेम ही होता है आपका, वो फिजिकल साइंस हो, बायोलॉजिकल साइंस हो, मैथ हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो, इंग्लिश हिंदी जो भी हो, आपका जितना भी 14 मेथड का समथिंग में है आपका जो भी हो, सबका पूछने का जो तरीका होता है उसमें क्वेश्चन का एक फिक्स पैटर्न होता है, समझे। तो वही चीज़ आपको लेके आए हैं। आपको मालूम होगा कि मेथड का क्या होता है, 3 यूनिट रहता है, जिसमें से देखिए बिहार यूनिवर्सिटी में 3 घंटा देता है, लेकिन आप देख लीजिए कितना घंटा इसे 3 घंटा टाइम दिया रहता है। वहाँ पर 3 घंटा में आपको 3 क्वेश्चन लिखना है, समझिए, 3 घंटा में आपका 3 क्वेश्चन लिखना है। और एक और चीज़ आपको हम बता देते हैं कि 6 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, 3 यूनिट में 6 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। और देखिए एक और चीज़ आपको बताते हैं कि आपका जो मेट ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट से किए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप आराम से लिख सकते हैं, समझे। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, मेथड में अच्छा नंबर आता है। तो सिर्फ आपको पैटर्न समझना है कि यूनिट 1 में कौन कौन क्वेश्चन आएगा, यूनिट 2 में कौन कौन आएगा, यूनिट 3 में कौन आएगा, समझे। तो आप लोग आराम से, हड़बड़ाइएगा नहीं, आप आराम से एग्जाम दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए हम लोग आते हैं यूनिट 1 पर, पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं यूनिट 3 का, यूनिट 1, 2, 3 का, फिर हम आंसर आपको बताएंगे, समझे। देखिए यूनिट 1 में आपका ये पहले एक क्वेश्चन आप पहले क्या तैयारी कीजिएगा, कोई भी मेथड हो, कि पहले आप जो भी आपका मेथड हो, जैसे मान लीजिए फिजिक्स हो, फिजिकल साइंस में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आता है, तो फिजिक्स हो या फिजिकल साइंस हो या बायोलॉजिकल साइंस हो या आपका मैथ हो, तो एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा उसकी क्या प्रकृति, अर्थ, परिभाषा क्या है, कोई भी आपका मेथड हो, क्योंकि उससे क्वेश्चन, देखिए ये तो फर्स्ट टाइम पूछता है लेकिन हो सकता है ये आ सकता है, कोई ठीक नहीं है, समझे। तो एक क्वेश्चन आप ये तैयार कर लीजिएगा, समझे, कोई भी मेथड हो आपका, मैथ हो तो मैथ का क्या अर्थ, प्रकृति, परिभाषा, ये उद्देश्य क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ पे एक बना लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये आपका बेस क्वेश्चन है और ये उससे कोरिलेट क्वेश्चन है, समझे। तो आ सकता है यूनिट 1 में एक ये क्वेश्चन, तो आप कहीं के लिए यूनिट 1 में ही आपको 2 क्वेश्चन और पढ़ना है जो आपका आता ही आता है। एक आता है पाठसागामी क्रिया, यानी कोर करिकुलम एक्टिविटी, जैसे CCA बोलते हैं आप लोग, उसका फाइल भी बनाए होंगे, समझे, उसमें कौन कौन एक्टिविटी होता है। और एक आप कर लीजिएगा आप कि शिक्षण सहायक सामग्री, या उसी को दृश्य सब सामग्री, सब उसी का नाम है, समझे, सीखने के संसाधन, या आपका दे दे कि शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है, यानी TLM के आप नाम सुने होंगे, TLM के बारे में पढ़ाए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, समझे, ये सब उसी का नाम है। तो ये आप 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा यूनिट 1 में, समझे, आपके लिए बहुत लीजिए, ये 3ों को देख के जाइएगा। यूनिट 2 में आपका इकाई योजना, पाठ योजना और माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण, इससे क्वेश्चन आपका आता है। तो अब इसमें एक क्वेश्चन घुमा के पूछता है, घुमा के क्या देता है, आप कहेगा जो सब्जेक्ट आप लिए हैं उसका एक पाठ योजना तैयार कीजिए, समझे। तो आप 4 इसमें कर लीजिएगा, इकाई योजना पढ़ लीजिएगा, पिछले साल आप देख लीजिएगा कौन नहीं पूछा, देखिए रिपीट भी क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए आप इकाई योजना पढ़ लीजिएगा, पाठ योजना पढ़ लीजिएगा और सूक्ष्म शिक्षण, और एक पाठ योजना बना लीजिएगा जो आपका सब्जेक्ट है उसको, जो इस पर अच्छा कमांड है आपको, जो टॉपिक पर, उसको आप एग्जाम में बना दीजिएगा। यूनिट 2 का कथा कहानी खत्म हो गया। देखिए यूनिट 3 सबसे आसान है, क्योंकि यूनिट 3 में आपका C9 से क्वेश्चन आता है, मापन मूल्यांकन जो पढ़े हुए हैं C9 में, जो आप पढ़े हुए हैं मापन मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, निबंधनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक, युगात्मक मूल्यांकन, ये सब देखे, तो आप जो C9 का यूनिट 1, 2 पढ़ा हुआ है ठीक से, उसी से क्वेश्चन आता है आपका, सतत व्यापक मूल्यांकन, ये सब आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो यूनिट 3 में आपका C9 से क्वेश्चन आता है, तो C9 जो पढ़ लिए यूनिट 3 समझिए उसका हो गया मेथड का, ये आपका 3ों यूनिट समझा दिया। ये हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं, पहले हम पाठसागामी क्रिया आपको पढ़ाते हैं, समझे। देखिए सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे कि पाठसागामी क्रिया क्या होता है, समझे, उसके बाद आपको बताएंगे कौन कौन उसमें क्रिया करवाया जाता है, फिर आपको शिक्षण सीखने के संसाधन यानी शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका है पाठसागामी क्रिया। अब पाठसागामी क्रिया क्या होता है, यानी वैसी क्रिया जो पाठ से संबंधित, क्रिया तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन वैसी क्रिया जो पाठ से संबंधित हो, आपके सिलेबस से संबंधित हो और जो बालक के सर्वांगीण विकास करे, उसे पाठसागामी क्रिया कहते हैं। इसको सिंपल भाषा में बता रहे हैं, देखिए अब इसका मैं तो इंट्रोडक्शन लिखा नहीं है, लेकिन आपको बताते हैं इंट्रोडक्शन कैसे लिखिएगा। लिखिएगा हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, तो शिक्षण में बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्यक्रम में या पाठचर्या में पाठसागामी क्रिया का होना अति आवश्यक है।
क्योंकि पाठ सागामी क्रिया के द्वारा बालकों का सर्वांगीण विकास किया जाता है, उसका चारित्रिक नैतिक ये सब विकास किया जाता है, समझे। फिर उसके बाद लिख सकते हैं इसको, समझे। तो देखिए लिखा हुआ है ये सब जोड़ के आप, क्योंकि आप लोग ये चीज़ कर चुके हैं इसीलिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, समझे। लिखा है पाठ सागामी क्रिया से अभिप्राय उन क्रियाकलापों से है जो छात्र के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास करने तथा शिक्षा के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में, नहीं शिक्षा का जो निर्धारित किया गया लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में सहायता देती है, समझे। बहुत सिंपल है कि पाठ सागामी क्रिया से अभिप्राय उन क्रियाकलापों से है जो छात्रों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास तथा शिक्षा के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता देती है, समझे। इस संबंध में प्रोफेसर पठान ने इन क्रियाओं को परिभाषित करते हुए लिखा है कि पाठ्यक्रम सागामी क्रिया से तात्पर्य उन छात्र क्रियाओं से है जिनमें छात्र अध्यापक आप लोग होते हैं, समझे। छात्र अध्यापक के मार्गदर्शन में कुछ उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित विधि से संपन्न करने के लिए भाग लेते हैं। जो छात्र अध्यापक होते हैं वो क्या होते हैं कि मार्गदर्शन में क्या करते हैं, कुछ उत्तरदायित्व, जैसे हम नाटक किए, क्यूज किए, ये सब क्या है आपका NCC सब आएगा नीचे, सब बताएंगे आपको, समझे। उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने संपन्न करते हैं, समझे। तो आपका हो गया डिफिनीशन, एक दो गो और डिफिनीशन लिख दीजिएगा, समझे। आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा डिफिनीशन, नहीं तो एक दो गो और अपना से जोड़ के लिख दीजिएगा, समझे। तो ये आपका क्या हो गया, कोर करिकुलम एक्टिविटी का इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखिए लिखिएगा पाठ सागामी क्रिया का अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ में लिख दिया कि हम जानते हैं, लिखिएगा कि पाठ सागामी क्रिया का समान अर्थ होता है कि वैसी क्रिया जो पाठ से संबंधित उसे पाठ सागामी क्रिया करते हैं। अब लिखिएगा विभिन्न विद्वानों ने अपने तर्क एवं चिंतन के अनुसार निम्नलिखित परिभाषा दी है, दो तीन को परिभाषा लिख दीजिएगा। अब देखिए महत्व भी नहीं लिखिएगा, कौन कौन इसमें एक्टिविटी करवाया जाता है उसको हम लोग आते हैं कि पाठ सागामी क्रिया के अंतर्गत कौन कौन सी क्रिया आती है, तब महत्व हम आपको बताएंगे। तो देखिए इसमें आप जो बड़ा बड़ा लिखे इसको नहीं लिखिएगा, सो लिखा है कि सबसे पहले हमें लिखा है साहित्यिक क्रिया, यानी पाठ सागामी क्रिया पहला जो आता है साहित्यिक क्रिया में क्या क्या हम करवाएंगे। तो इन क्रिया के अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता, कवि गोष्ठी यानी जो कवि का गोष्ठी होता है एवं कविता प्रतियोगिता, भाषण निबंध एवं कहानी प्रतियोगिता, विचार गोष्ठी, अंतराक्षी आदि क्रियाएँ सम्मिलित होती है। इस क्रियाओं के द्वारा पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इस क्रियाओं के द्वारा बालक की मानसिक शक्तियों जैसे स्पष्ट चिंतन, स्मरण, तर्क, विश्लेषण, निर्णय आदि को प्रशिक्षित किया जाता है, समझे। अब इतना लिख सकते हैं या लिख सकते हैं इससे आत्मव्यक्ति या आत्म प्रदर्शन की अवसर भी प्रदान होता है, समझे। ये चीज़ आपका हो गया। दूसरा आपका है विद्यालय प्रतियोगिता, लिखा है विद्यालय प्रकाशन की गतिविधि में से समाज को अवगत कराते हैं, यानी विद्यालय का जो प्रोजेक्टस जो आता है उसमें जो हमारे समाज की जो गतिविधि जो उसी से टिक रहता है, समझे। तो ये लिखा है कि विद्यालय प्रशासन की गतिविधि से समाज को अवगत होते हैं। और लिखा है यहाँ सोचे वर्णित, देखिए जो आपका शिक्षण जो आपका मेथड होगा उसको नाम लिखिएगा, यहाँ कॉमर्स लिखा है तो आप लिखिएगा, फिजिकल साइंस होगा तो भौतिकी लिख दीजिएगा। शिक्षण की दृष्टि से विद्यालय प्रतियोगिता बालक में उचित दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक होता है। अगला है सामाजिक क्रिया, लिखा है समानता इन क्रियाओं के अंतर्गत समाज सेवा, क्लब, श्रमदान, स्काउट एंड गाइड होता है, जूनियर रेड क्रॉस, प्राथमिक चिकित्सा दल आदि क्रियाओं का आती है। इसके द्वारा बालक को समाज में संपर्क में लाया जाता है, साथ ही सामाजिक जीवन से प्रत्यक्ष एवं वास्तविक अनुभव प्रदान किए जाते हैं। इतना आप लिख सकते हैं, यानी यहाँ श्रमदान का मतलब है कि जो वह श्रमदान नगर या ग्राम की सड़कों की मरम्मत एवं नवीन सड़कों निर्माण में छात्रों करवा सकते हैं, समझे। अब आ कहते हैं हम लोग शारीरिक क्रिया, इसके अंतर्गत संगठित खेलकूद, PT, व्यायाम आदि क्रियाएँ आती है, समझे। इसमें आप लिख सकते हैं। अगला है वाणिज्य आप नहीं लिखे क्योंकि स्पेशल उसी के बारे में बोल रहा है, समझे। अब आ गया विद्यालय परिषद या संसद, लिखा है कि विद्यालय परिषद छात्रों को लोकतांत्रिक जीवन शैली से अवगत कराने वाली एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम सागामी क्रिया है। इसमें छात्र अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, ट्रेजरर आदि पदाधिकारी होते हैं। इन पदाधिकारियों के अतिरिक्त कुछ सदस्य होते हैं विद्यालय परिषद, इन सदस्यों को कुछ समिति जैसे सांस्कृतिक समिति, आर्थिक समिति, स्वच्छता, ये सब का निर्माण करवाती है कि इसका डिपार्टमेंट स्वच्छता वाला डिपार्टमेंट इसके पास रहेगा, आर्थिक जिसे नहीं कैबिनेट में बंटवारा होता है ये डिपार्टमेंट, ये सब। अगला सेमिनार, लेकिन वाणिज्य शिक्षण या आप जो शिक्षण होगा आपका फिजिक्स या मैथ, जो गणित शिक्षण होगा तो गणित शिक्षण सेमिनार या संगोष्ठी का आयोजन करके विभिन्न व्यापारिक एवं अर्थ, मतलब आप लिख दीजिएगा या व्यापारी नहीं लिखिएगा, आप लिखिएगा अपने चिंतन मनन संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है, ये लिख सकते हैं। आगे आपका वाद विवाद प्रतियोगिता, लिखा है कि वाणिज्य शिक्षण या जो आपका होगा उसमें लिखिएगा
इस पाठ्यक्रम की सहगामी क्रिया का सबसे बड़ा ही लाभप्रद है। इसके द्वारा छात्रों को तत्कालीन घटनाओं और समस्याओं से अवगत कराया जाता है, समझे, ये सब आप लिख सकते हैं। अगला है क्यूज प्रतियोगिता। छात्रों से प्रश्न करके तथा उससे उत्तर प्राप्त करने की प्रतियोगिता का आयोजन गणित शिक्षण या वाणी से जो भी है बहुत लाभप्रद होता है, इतना लिख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, ज़्यादा नहीं लंबा हो जाएगा। प्रदर्शनी हो गया, तो आपका प्रदर्शनी में ये सब आपका चलाएगा कि वाणिज्य शिक्षण प्रदर्शनी के आयोजन में छात्रों का समान ज्ञान, ये सब आप, उसके बाद दीवार मैगनीज हो गया, ये सब आप वर्णन कर सकते हैं, इसको आप कर लीजिएगा। एकदम सिंपल है, ज़्यादा भारी नहीं। अब इसका महत्व देख लेते हैं। महत्व इसको लिख दीजिएगा आपका, छात्रों के लिए क्या महत्व है। तो मूल प्रवृत्तियों का शोधन तथा मार्गतिकरण। मूल प्रवृत्तियों का शोधन मतलब आप इसके द्वारा अच्छा वर्क कर लीजिएगा, आप जो वर्क नहीं करना है वो वर्क कर सकते हैं। दूसरा, सामाजिक भावना का विकास, नागरिकता की शिक्षा प्रदान करना, अवकाश के समय का सदुपयोग करना सिखाती है, व्यक्तित्व तथा अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है, कोई एक्टिविटी कीजिएगा उससे, नैतिकता का विश्वास करती है, अनुशासन स्थापना में सहायक होती है, मानवीय गुणों का विकास करती है, मनोरंजन के स्वस्थ साधन जुटाती है, व्यापारिक ज्ञान प्रदान, ये सब क्या हो गया आपका छात्रों के लिए देश हो गया, इसका महत्व हो गया, समझे। तो ये आपका क्या हो गया पाठ सहगामी क्रिया, आप आराम से लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, कि जो आप लोग नहीं लिख सकते ना, सिंपल है, समझे। इसमें पाठ सहगामी क्रिया का उद्देश्य भी लिख सकते हैं, बालकों के सर्वांगीण विकास करने के लिए, उसके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, उसके सामाजिकता का विकास करने के लिए, आप जोड़ने के लिए इसको 10 पेज में लिख सकते हैं। इसको हम समझा दिए हैं, आप आराम से 10 पेज में भी इसको लिख सकते हैं। बड़ी चीज़, पाठ सहगामी क्रिया का सिंपल मतलब है कि वैसी क्रिया जो पाठ से संबंधित हो, विद्यालय में करवाई जाती हो, इससे बालक का सर्वांगीण विकास, उसके व्यक्तित्व का विकास, उसकी पर्सनैलिटी का विकास हो, इससे बालक में आत्म वाद विवाद चाहे कोई भी जो होता है ना पाठ सहगामी क्रिया का, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आप में आत्मविश्वास है, आप में आत्मव्यक्ति का मौका मिले, ये सब अवसर मिले, ये सब के लिए किया जाता है, समझ। अब आते हैं हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री में, समझे, जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, समझे। शिक्षण सहायक सामग्री बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, तो आइए हम लोग आते हैं थोड़ा शिक्षण सहायक सामग्री को देखते हैं, समझे। पहला क्वेश्चन आपका हो गया कि पाठ सहगामी क्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है, समझे। अब VBI हम क्वेश्चन करवा लिए हैं, वो भी आप लोग देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका यूनिट 1 का ही है, पाठ सहगामी क्रिया। पाठ सहगामी क्रिया क्या होता है, सॉरी, पाठ सहगामी क्रिया तो आपका 1 नंबर हो गया। दूसरा है शिक्षण सहायक सामग्री, या इसी को सीखने के साधन बोलते हैं, यानी उससे जल्दी हम सीख लेते हैं। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप नाम सुने होंगे, या इसी को सर्व दृश्य सामग्री भी बोलते हैं, या सर्व जो भी सब इसमें चलाता है, समझे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है, हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जिसमें बालक की रुचि आवश्यकता आदि को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सीखने के संसाधन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सीखने के संसाधन वे संसाधन है जिन्हें शिक्षक पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित अधिगम की अपेक्षा पूरी करने हेतु शिक्षार्थियों की सहायता के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया में जो सीखने के संसाधन है क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सीखने के संसाधन वे संसाधन है जिनसे शिक्षक पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित अधिगम की अपेक्षा पूरी करने हेतु शिक्षार्थियों की सहायता के लिए प्रयोग करते हैं, समझे। शिक्षक जब सीखने के संसाधन का प्रयोग करते हैं तो विषय वस्तु रुचिपूर्ण बन जाती है, जिससे छात्र सक्रिय होकर विषय वस्तु को समझ लेते हैं। सीखने के संसाधन बोलिए या शिक्षण सहायक सामग्री बोलिए, सब उसी के नाम है। सीखने के संसाधन को शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री या टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM भी कहते हैं, समझे। शिक्षक को शिक्षण में तथा छात्र को अधिगम में जो सामग्री सहायता उत्पन्न करे उसे शिक्षण सहायक सामग्री, यानी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री भी TLM भी कहते हैं, समझ गए। यानी TLM का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ मतलब TLM के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, वो चीज़ आप जल्दी सीख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको त्रिभुज ही पढ़ाना है, त्रिभुज को आप प्रत्यक्ष रूप से दिखा के पढ़ाया जाए तो आप उस चीज़ को जल्दी सीख लीजिएगा। शिक्षण सहायक सामग्री विषय वस्तु को रोचक एवं सीखने वाले के लिए आनंददायक बना देती है। सीखने के संसाधन का प्रयोग छात्रों के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने एवं ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए शिक्षक के द्वारा किया जाता है। एक चीनी कहावत है कि जिसे बाद में मेरिया मोंटेसरी ने भी कहा कि जो मैं सुनता हूँ मैं भूल जाता हूँ, जो मैं देखता हूँ मैं याद रख सकता हूँ, लेकिन जो मैं करता हूँ मैं समझ जाता हूँ।
इंग्लिश में लिखा है द थिंग विच आई हेयर आई मे फॉरगेट द, यानी कह रहा है कि जो मैं देखता सुनता हूँ उसे भूल जाता हूँ, लेकिन मैं जो देखता हूँ वो याद रख सकता हूँ, लेकिन जो करके नहीं बोलते, करके सीखना पर जोर दिया जाता है, यानी जो मैं हम करता हूँ उसको अब कभी नहीं भूल सकते। यानी TLM यानी सीखने के संसाधन प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि दोनों प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है। इससे प्रतिभाशाली बालकों के चिंतन में गति एवं स्पष्टता आती है तथा मंद बुद्धि बालकों में सूक्ष्म प्रत्यय सूत्रों सिद्धांतों को स्थूल रूप से समझने का विकास होती है। अब इसका अर्थ परिभाषा देखते हैं। सीखने के संसाधन का अर्थ है कि शिक्षक को शिक्षण में तथा छात्र को अध्ययन में जो संसाधन मदद करता है उसे सीखने के संसाधन कहते हैं। शिक्षा में संसाधन का अर्थ कोई विधि पदार्थ या मशीन उपकरण होता है जो शिक्षक द्वारा विषय को स्पष्ट करने या सजीव करने के लिए प्रयोग करता है। विभिन्न विद्वानों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर सीखने के संसाधन का या शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री निम्न परिभाषा दी है। पहला डिफिनेशन आपका है तो मां कोई लोए अमेदाय और अत्ता के अनुसार शिक्षण अधिगम संसाधन एक वस्तु है जिसे शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को अधिगम में सहयोग करने ज्ञान की समझ अवधारणा सिद्धांत और कौशलों की समझ हेतु प्रयोग करता है। दूसरा है कोठारी आयोग 1964-66 के अनुसार कि शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में सहायक सामग्री उपलब्ध कराना अति आवश्यक है। सहायक सामग्री वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है। अगला है हेफोल्ड के अनुसार कि शिक्षण अधिगम संसाधन छात्रों को सीखने में सहयोग करते हैं और सहारा देते हैं। अगला है ग्रोस एवं अन्य के अनुसार कि शिक्षण अधिगम संसाधन वे अधिगम संसाधन है जो प्रभावी अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है क्लास के अनुसार कि शिक्षण अधिगम संसाधन वे उपकरण है जिन्हें कक्षा कक्ष में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों हेतु जल्दी और समग्र रूप से सीखने में सहायता करने हेतु प्रयोग करते हैं। अगला है शिक्षण अधिगम संसाधन के प्रकार। लिखा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु वर्तमान समय में अनेक संसाधन उपलब्ध हैं। शिक्षण अधिगम संसाधन को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। सर्व शिक्षण अधिगम संसाधन वे संसाधन जो सुनने के शारीरिक अंगों से संबंध रखते हैं सर्व शिक्षण अधिगम संसाधन का, जैसे आपका रेडियो हो गया, सर्व CD हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन हो गया, ATC हो गया। अब बता दृश्य शिक्षण अधिगम संसाधन वे संसाधन जो देखने के शारीरिक अंगों से संबंध रखते हैं उसे दृश्य शिक्षण अधिगम संसाधन का, जैसे चार्ट हो गया, चित्र हो गया, मॉडल या प्रतिमान हो गया, वास्तविक वस्तु फ्लैक्स कार्ड, मानचित्र, चौक बोर्ड सैंपल जिसे बोलते हैं, फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, प्रोजेक्टर, स्लाइड इत्यादि। अगला श्रव दृश्य शिक्षण अधिगम संसाधन वे संसाधन जो अपने सुनने और देखने दोनों शारीरिक अंगों से संबंध रखते हैं श्रव दृश्य शिक्षण अधिगम संसाधन कहलाते हैं, जैसे स्मार्ट TV, फिल्म स्प्रिट, फिल्म प्रोजेक्टर, श्रव दृश्य CD ETC। अब आते हैं इस श्याम पाठ के बारे में वर्णन हम करेंगे नीचे, इसका क्या महत्व है समझे। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सीखने के संसाधन के निम्नलिखित महत्व है। पहला, किसी अवधारणा को समझने के लिए शिक्षण अधिगम संसाधन का समुचित प्रयोग बहुत प्रभावी होता है। शिक्षा अधिगम संसाधन के माध्यम से शिक्षक किसी विषय को अधिक आसानी से स्पष्ट कर सकता है। अगला है कि शिक्षण अधिगम संसाधन छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करते हैं जो सीखने में सहायक होते हैं। अगला है शिक्षण अधिगम संसाधन कक्षा कक्ष से आलस को हटाते हैं और कक्षा कक्ष को जीवंत एवं सक्रिय बनाते हैं। अगला शिक्षण अधिगम संसाधन शिक्षार्थियों हेतु वातावरण को रुचिकर बनाते हैं। अगला शिक्षण अधिगम संसाधन समय और धन की बचत में भी सहायक होते हैं। अब यह हो गया, अब इसमें देखते हैं कौन कौन शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं समझे, उसको चलिए हम आपको करवा देते हैं क्या क्या चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। अब शॉर्ट में इसका वर्णन कीजिएगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं श्यामपट के बारे में समझे। श्यामपट थोड़ा थोड़ा वर्णन कीजिएगा, नहीं तो बहुत लंबा आपका आंसर चल जाएगा। श्यामपट ब्लैक बोर्ड जिसे श्यामपट शिक्षकों को उपलब्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। दुर्भाग्यवश भारत में एक सर्वाधिक अपेक्षित विद्यालय उपकरण है। देखते हैं ब्लैक बोर्ड टूटा रहता है, ये सब रहता है, तो इसको उपेक्षित कर दिया जाता है। विद्यालय भवनों का निर्माण कराते समय कक्षाओं में श्यामपट के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान रखने की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। अवस्था यह खेदजनक स्थिति है, मतलब ये चीज़ है, तो ये थोड़ा हो गया। अब श्यामपट क्या होता है, काले रंग का होता है जो आकर्षणहीन होता है समझे, परंतु इसका ठीक ठाक उपयोग किया जाता है समझे, ये चीज़ हो गया। और श्यामपट को कभी भी आपको 45 डिग्री के एंगल पर लिखना चाहिए समझे, 45 डिग्री, तो ये चीज़ आपका हो गया, तो ये चीज़ है। अगला है फ्लैनल बोर्ड, लिखा है कि और लिख लीजिएगा जो श्यामपट होता है क्या होता है, सर्व आपका दृश्य सामग्री होता है समझे। अगला है फ्लैनल बोर्ड, यह भी आपका
दृश्य सामग्री है, इसको फ्लैनल ग्राफ भी कहते हैं। यह लकड़ी का बोर्ड है जिस पर फ्लैट नमदा का फ्लालेन चढ़ा रहता है। इस पर चित्रों केवल थोड़ा सा दबाकर चिपकाया जाता है, यानी चिपकाने में कांटी लगा होता है, समझे। ये चीज़ है तो ये आप कर सकते हैं। अगला है बुलेटिन बोर्ड जिसे बोलते हैं, दृश्य शब्द साधन के रूप में इस, ये आपका क्या है, ये भी आपका दृश्य साधन है, समझे कि दृश्य साधन के रूप में इस पट का शैक्षिक महत्व बहुत अधिक है, परंतु हमारे देश में ऐसे ही कम आधुनिक स्कूल है जिसमें कक्षा में बुलेटिन यानी कोई चीज़ चपकाने के लिए किया जाता है, समझे। दो चीज़ है इसी बुलेटिन बोर्ड पर लिखा रहता है, समझे। अगला है चित्र पिक्चर के द्वारा भी प्रत्यक्ष वस्तु तथा मॉडल के अभाव में अध्यापक चित्रों का प्रदर्शन करता है, यानी आपके पास मॉडल नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, चित्र के द्वारा ही बच्चा को पढ़ा सकते हैं। बालक चित्रों में रुचि लेते हैं, चित्र बालक के ज्ञान को स्थायी बनाने में सहायता करता है। चित्र भी हो गया। आगे आपका हो गया मानचित्र मैप बोलते हैं, तो भूगोल ये सब में मानचित्र शिक्षण बहुत अति होता है, भूगोल हो गया, वाणिज्य हो गया, समझे, ये सब हो गया, तो आप कर सकते हैं। अगला है मानचित्र के बाद है ग्राफ, ग्राफ के द्वारा भी आप किसी चीज़ को बता सकते हैं। अगला है ग्राफ के बाद हो गया चार्ट, हो गया ये चार्ट को एक बड़े कागज या कपड़े का चित्र बना कक्षा में दिखाया जाता है, समझे। ये हो गया चित्र, हो गया उसके बाद आपको प्रत्यक्ष वस्तु में आपका आ जाता है, बहुत चीज़ आता है, लेजर रोटरी बहुत चीज़ इसमें आता है, तो इसमें प्रत्यक्ष वस्तु में आप लिख सकते हैं। अब आ गया मॉडल के रूप में, जो चीज़ हम वहाँ नहीं ले जा सकते, जैसे हाथी को तो क्लास नहीं घुसा सकते हैं, तो हाथी का मॉडल आप ले जाइए तो उसे मॉडल कहते हैं, तो मॉडल को भी आप लिख सकते हैं। मॉडल के बाद नमूना हो गया, सैंपल कोई चीज़ का आप ले जा सकते हैं, जैसे आपको कोयला पड़ा था कोयला दिखा सकते हैं, ये हुआ। अगला है स्लाइड होता है, मतलब स्लाइड का कोई चीज़ होता है, वो भी आपका इसी में आता है। अगला है आपका प्रोजेक्टर भी इसी में आता है, समझे। अगला है टेप रिकॉर्डर भी इसी में आता है, कि टेप रिकॉर्डर शिक्षण का एक सहायक साधन है, शिक्षण का स्थान नहीं ले सकता है, इसका उपयोग तभी किया जाता है जब किसी सहायता से बालक की तथ्य घटना को अधिक नई तरह समझ सकता है, समझे। रेडियो हो गया आपका, टेलीविजन हो गया, ये सब आपका, इसका थोड़ा थोड़ा आप क्या कीजिएगा वर्णन कर दीजिएगा, समझे। अब हम लोग आते हैं, यूनिट वन कंप्लीट हो गया, आइए यूनिट टू में आते हैं हम लोग। यूनिट टू में आपका क्या क्या पूछता है ये हम समझते हैं। इसमें आपका तीन क्वेश्चन एकदम वीवीआई है, पाठ जना क्या है, और आपको एक अपने सब्जेक्ट से एक पाठ जना बना के याद करके ले जाइएगा। दूसरा आपका रहेगा इकाई योजना, और तीसरा आपका यूनिट प्लान, लेकिन कबो कबो आपका माइक्रो टीचिंग हुआ, कबो कबो आपका शिक्षण कौशल भी पूछ देता है, तो उसको भी थोड़ा पढ़ा देंगे, और यूनिट थ्री उसके बाद आएंगे। देखिए लिखा हुआ है कि पाठ योजना कक्षा कक्ष की वह पूर्व लिखित योजना है जिसमें शिक्षक पाठ के प्रयोजन और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विधियों को निश्चित करता है। हम जानते हैं कि शिक्षण के लिए एक योजना बनाना अध्यापक के दैनिक क्रियाकलाप का एक भाग है। एक दैनिक पाठ योजना शिक्षक द्वारा कक्षा सीखने का मार्गदर्शन करने के लिए विकसित की जाती है, समझ गए। पाठ योजना अध्यापक का लिखित कथन है जिसमें छात्रों के पूर्व ज्ञान, छात्रों के ज्ञान की मात्रा, अवधि, विषय, उपकरण, ज्ञान प्रदान करने का उद्देश्य एवं गृह कार्य का वर्णन होता है। पाठ योजना शिक्षक को इधर उधर भटकने नहीं देता है, बल्कि शिक्षक को शिक्षण की राह पर लगाए रहती है। पाठ योजना के माध्यम से ही कक्षा नियंत्रण में रहता है। पाठ योजना का अर्थ परिभाषा देखते हैं। पाठ योजना से तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें विषय वस्तु के को छोटी इकाई के संबंध में शिक्षक द्वारा तैयार एक ऐसी लिखित रूपरेखा है जिससे वह निश्चित कालांश एवं समय में पूर्ण करता है। अर्थात पाठ योजना कक्षा में पढ़ाने से पूर्व की योजना है जिसमें शिक्षक कक्षा के समय निश्चित समय में पढ़ाने के लिए उस योजना का प्रयोग करता है। विभिन्न विद्वान शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क चिंतन के आधार पर पाठ योजना का निम्नलिखित परिभाषा दी है। सिप्सन के अनुसार कि पाठ योजना में शिक्षक अपनी विषय सामग्री और छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है उन बातों का प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से करता है। अगला बिनिंग एवं बिनिंग के अनुसार कि दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ वस्तु का चयन करना, उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना और प्रस्तुतिकरण करने की विधियां तथा प्रक्रियाओं का निर्धारण करना होता है। बॉक्सिंग के अनुसार है कि पाठ योजना से अभिप्राय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन विशिष्ट साधनों का वर्णन है जिनके द्वारा वे उद्देश्यों एक निश्चित समय में
की गई क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप प्राप्त की जाती है। अगला है एम एन चौधरी के अनुसार कि किसी विषय को पढ़ाने हैं तो उस विषय से संबंधित वस्तु की रूपरेखा तैयार करना पाठ योजना कहलाता है, जो शिक्षक से पूर्व की तैयारी है। अगला गुड्स के अनुसार कि पाठ योजना किसी पाठ की महत्वपूर्ण बातों का खाका या बाहरी रूपरेखा है जिसे शिक्षक से पूर्व बनाया जाता है। अब आते हैं इसकी आवश्यकता है महत्व में कि पाठ योजना है हम जानते हैं कि शिक्षक के लिए पाठ योजना निर्माण उतना ही आवश्यक है जितना एक अभियंता को भवन निर्माण के लिए मानचित्र या ब्लू प्रिंट को तैयार करना है। कक्षा में सफल एवं प्रभावी शिक्षण हेतु पाठ योजना अत्यंत आवश्यक है, अतः निम्न कारणों से पाठ योजना की आवश्यकता है। पहला, पाठ योजना नियंत्रण तथा प्रेरणा एवं व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया के नियोजन में सहायता प्रदान करती है। यह शिक्षण कार्य को निश्चित सीमा में रखकर शिक्षक के समय एवं श्रम की बचत करती है। यह कक्षा शिक्षण को अव्यवस्था एवं विचारहीनता से दूर रखकर सफल बनाती है। पाठ योजना बालकों को पूरा ज्ञान देता है जिस पर आदमी शिक्षण आधारित होता है, जिसे छात्र नवीन ज्ञान का निर्माण करता है। अगला, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पाठ को सरल, स्पष्ट एवं रुचिकर बनाने के लिए आवश्यक होती है। पाठ योजना के द्वारा विद्यार्थियों की तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति एवं विभिन्न प्रकार की मानसिक शक्तियों का विकास होते हुए एक निश्चित दिशा में होता है। अगला, पाठ योजना अध्यापक के लिए पथ प्रदर्शक एवं मित्र का कार्य करती है। पाठ योजना के माध्यम से शिक्षक से केवल शिक्षण की क्रियाओं तथा सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी हो जाती है। पाठ योजना शिक्षक कार्य को नियोजित एवं व्यवस्थित एवं निर्देशित। आप इसका उद्देश्य देखते हैं कि पाठ योजना का निम्नलिखित उद्देश्य है कि कक्षा में शिक्षण की क्रियाओं तथा सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी करना, निर्धारित पाठ वस्तु के सभी तत्वों को विवेचना करना, प्रस्तुतिकरण के क्रम तथा पाठ वस्तु के रूप में निश्चितता की जानकारी करना। चौथा, कक्षा शिक्षण की समय शिक्षक के विस्मृति की संभावना कम करना। आप देखते हैं इसकी सफलता की क्या क्या शर्त है। तो पाठ योजना की निम्नलिखित सफलता की शर्त है कि विषय सामग्री का पर्याप्त ज्ञान, दूसरा है बालक की रुचि क्षमता विभिन्नता एवं आवश्यकताओं का ज्ञान, तीसरा है शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, चौथा है शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए ताकि वह सर्वोत्तम विधि का चयन कर सके, पांचवा है शिक्षक को शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधारों का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक को पाठ योजना की तैयारी से पहले छात्र के पूर्व ज्ञान की जानकारी होना आवश्यक है ताकि वह उचित शिक्षण सामग्री का चयन कर सके। अब इसकी पाठ योजना की विशेषता देखते हैं। पहला, अध्यापक में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, पहला हो गया। दूसरा, पाठ योजना शिक्षक को उचित मार्गदर्शन देती है। तीसरा, पाठ योजना समय अनुकूल एवं क्रमबद्ध होती है। चौथा, एक समय में हमें क्या पढ़ना है इसका प्रारूप जिस योजना में स्पष्ट होता है वह पाठ योजना होता है। बातें हैं पाठ योजना से पता चलता है कि क्या और कैसे पढ़ना है। पाठ योजना लिखित एवं स्पष्ट होनी चाहिए। अगला है, पाठ योजना लचीली होनी चाहिए तथा परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। अगला है, पाठ योजना में भाषा की सरलता स्पष्ट होनी चाहिए। अगला है, आदर्श पाठ योजना विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। अगला है, पाठ योजना किसी न किसी उद्देश्य पर आधारित होता है। पाठ योजना में बोधगात्मा एवं विकासात्मक प्रश्न का प्रयोग होता है। अब इसकी रूपरेखा देखते हैं। तो पहला है, समान सूचना में जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या रहेगा, इसमें पढ़ाई जाने वाली पाठ का शीर्षक, कक्षा, क्लास, अवधि, विषय, प्रकरण, दिनांक आदि को शामिल किया जाता है। जिस विद्यालय में शिक्षण किया जाना है उसका नाम भी आवश्यक लिखना चाहिए। समान उद्देश्य क्या है, पाठ योजना में समान उद्देश्य विषय के उद्देश्य को लिखा जाता है, यानी विषय से रिलेटेड उद्देश्य होता है। विशिष्ट उद्देश्य में आप इसमें प्रकरण के उद्देश्य को यानी टॉपिक के उद्देश्य को लिखा जाता है। शिक्षण बिंदु टीचिंग पॉइंट हो गया, यानी इसमें लिखा जाता है कि आपको कितना शिक्षण बिंदु पढ़ाना है, जैसे जल आप पढ़ा रहे हैं तो जल क्या है, जल के प्रकार। अब हो गया शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग मटेरियल एड, शिक्षण को सरल रुचिकर बनाने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग किया, जैसे चौक, डस्टर, सैंपल, चॉट, मॉडल इत्यादि। प्रीवियस ज्ञान, पूर्व ज्ञान, अध्यापक पूर्व ज्ञान के आधार पर ही पाठ योजना को आरंभ करता है। आप देखिए, अब हो गया प्रस्तावना प्रश्न होता है पूर्व ज्ञान के बाद, कि पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षक प्रश्नों द्वारा पाठ को प्रस्तावित करता है। प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। आप देखिए, प्रस्तावना के बाद आपका होता है आपका उद्देश्य कथन, तब प्रस्तुतिकरण होता है। तो चलिए, उसके बाद है आपका प्रस्तावना हो गया, उसके बाद उद्देश्य कथन। तो शिक्षक समस्यात्मक प्रश्न के बाद यह घोषणा करता है कि वह कक्षा में किस प्रकरण पर शिक्षण कराएगा। उसके बाद हो गया कि पाठ योजना के किस भाग में छात्रों के सामने नवीन ज्ञान प्रस्तुत करना है, ये प्रस्तुतिकरण में होता है। तो आपका प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन, तब प्रस्तुतिकरण। अब बताया बोध प्रश्न, शिक्षक पढ़ाएगा पाठ में से प्रश्न पूछता है उसे बोध प्रश्न कहते हैं। मूल्यांकन, अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ के अंत में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि बालकों ने कहाँ तक नवीन ज्ञान सीखा है। अब गृह कार्य हो गए, पाठ के अंत में बालकों के पाठ संबंधी कुछ कार्य घर के लिए देना चाहिए तथा उसकी जांच अगले दिन भी करनी चाहिए। अब इसका देखते हैं क्या क्या ध्यान देने योग्य बात है। पहला, हम जानते हैं कि शिक्षण की कुशलता एवं सफलता बहुत हद तक पाठ योजना के निर्माण पर भी निर्भर करता है।
तब पाठ योजना बनाते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है विद्यार्थियों की शारीरिक एवं मानसिक योग्यता एवं क्षमताओं को जान लेना चाहिए। दूसरा है पाठ योजना निर्माण में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन की जाने हेतु स्थान देनी चाहिए। तीसरा है पाठ योजना बनाते समय कक्षा स्तर का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। चौथा है विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान की जानकारी शिक्षक को जरूर होना चाहिए। अगला अध्यापक को पाठ के लिए आवश्यक सामग्री का निर्धारण तथा उसके प्रयोग को सुनिश्चित करना चाहिए। पाठ योजना का निर्माण करते समय शिक्षक को समय का पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। अब इसका लाभ देखते हैं। पाठ योजना कक्षा कार्य को निश्चित करके अध्यापक को शिक्षण पथ से विचलित नहीं करता। पाठ योजना सर्वोत्तम शिक्षण विधियों के चयन के लिए शिक्षक की सहायता करता है। यह अध्यापक में आत्मविश्वास उत्पन्न कर शिक्षण में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह छात्रों के पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान में संबंध समन्वय एवं सामंजस्य उत्पन्न करता है। पाठ योजना से यह भी लाभ है कि यह उत्तम शिक्षण में अपना योगदान देते हुए उत्तम शिक्षक का निर्माण करती है। पाठ योजना प्रत्येक पाठ को सर्वोत्तम ढंग से पढ़ाने का आश्वासन देते हुए शिक्षक के शिक्षण योग्यता में वृद्धि करती है। अब इसकी हानि हो तो हानि तो कुछ है नहीं कि पाठ योजना में छात्रों की आयु रुचि योग्यता आवश्यकता एवं क्षमता पर पूर्ण ध्यान न देता है। पाठ योजना में छात्रों का सहयोग प्राप्त नहीं होता है। पाठ योजना का पूर्ण रूप से व्यापक नहीं होता है। निष्कर्ष हो गया, पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं शुभ शिक्षण में। समझे, पाठ योजना हो गया, अब आएगा एक पाठ योजना आप बना लीजिएगा अपने चैप्टर से, कोई भी आपका पार्ट से नाइन्थ टेंथ कोई भी आप बना लीजिएगा। समझे, नाइन्थ पूछे तो टेंथ का कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको एक पाठ योजना पढ़ के गए उसको लिख लीजिएगा। समझे, अब हम लोग आते हैं सूक्ष्म शिक्षण में। सूक्ष्म शिक्षण बहुत छोटा शिक्षण होता है, आपको भी पता है। लिखा है कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नवीन एवं नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया है। सूक्ष्म शिक्षण का विकास अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में DW एलेन रॉबर्ट एन बुश तथा कीथ एचिसन ने 1963 में किया। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण के विकास में DW एलेन का महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए DW एलेन को सूक्ष्म शिक्षण के जनक कहते हैं। भारत में 1967 में इलाहाबाद इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर DD तिवारी ने पहली बार सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किया था। उसके पश्चात 1975 में NCERT तथा इंदौर विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग द्वारा इस दिशा में सामूहिक प्रयास किए गए। डॉक्टर VK पासी, प्रोफेसर MV बूच तथा प्रोफेसर R दास ने सूक्ष्म शिक्षण को भारतीय परिस्थिति के अनुरूप एवं आवश्यक सुधार किए और सूक्ष्म शिक्षण को भारतीय प्रतिभान का विकास यानी मॉडल में विकसित किए। सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षकों के व्यवहार में सुधार लाना है। इसका अर्थ हम परिभाषा देखते हैं तो सूक्ष्म शिक्षण का समान अर्थ होता है कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी शिक्षक शिक्षण विधि है जो कक्षा अध्यापन की जटिलता तथा विस्तार को घटाकर उन्हें लघु रूप देती है एवं शिक्षण कला कौशलों तथा निपुणताओं के उन्नयन के लिए कार्य करती है। अर्थात सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का एक लघु रूप है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों में शिक्षाविदों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर सूक्ष्म शिक्षण की निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन अभ्यास कक्षा आकार एवं कक्षा अवधि में न्यूनीकृत अनुमाप है। दूसरा डिफिनेशन है आपका AWDLN के अनुसार कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। अगला है BM सोर के अनुसार कि सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। अगला है VK पासी के अनुसार कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है जिसमें छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि हेतु छोटे समूह को एक संप्रदायात्मक पढ़ाता है। अब हम लोग आते हैं सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता में। यह छात्र अध्यापक के व्यवहार पर केंद्रित विधि है। सूक्ष्म शिक्षण कम समय में अधिक गुणवत्ता प्रदान करने की विधि है। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण को सफल बनाती है। इस प्रकार के शिक्षण विधि में एक समय में एक ही कौशल का विकास किया जाता है। इस प्रकार के शिक्षण विधि के समय की बचत होती है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या 5 से 6 रखी जाती है। सूक्ष्म शिक्षण विधि के द्वारा छात्र अध्यापक भावी शिक्षण अपने स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में समय की अवधि भी कम दिया जाता है, लगभग 5 से 10 मिनट। अब आते हैं इसका आधारभूत सिद्धांत क्या। अपनी पुस्तक माइक्रो टीचिंग ए डिस्क्रिप्शन जो अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का प्रकाशन में एलेन और यार ने सूक्ष्म शिक्षण को अग्रलित 5 आधारभूत सिद्धों में आधारित बताया। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। इसमें समान कक्षा शिक्षण की जटिलता को कम कर दिया जाता है, जैसे विषय वस्तु शिक्षण अवधि एवं छात्र संख्या को कम करना होता है। इसमें एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। इसमें शिक्षण कौशल का वांछित अभ्यास कराया जाता है। इसमें प्रतिपुष्टि का समुचित उपयोग किया जाता है। अब इसका चक्र देखते हैं। 36 मिनट का एक होता है, पहले पाठ योजना बना के पहले इसलिए आते हैं, फिर शिक्षण कराते हैं 6 मिनट, फिर प्रतिपुष्टि 6 मिनट में दिया जाता है, फिर आपका पुनः योजना 12 मिनट में बनता है,
पुनः शिक्षण कराया जाता है 6 मिनट में, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट में, ये 36 मिनट अपना चलता है। चक्र हो गया पाठ देना, पढ़ाई करना, फीडबैक, पुनः पाठ देना, निर्माण करना, पुनः शिक्षण करना, पुनः फीडबैक, ये सब होता है। NCERT के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट की होती है। पाठ देना इसे शिक्षक पहले से तैयार करके कक्षा में जाता है, समझे, शिक्षण में 6 मिनट, फीडबैक में 6 मिनट, पुनः योजना 12, पुनः शिक्षण में 6, पुनः फीडबैक। अब देखते हैं इसकी प्रक्रिया हम सौंपा। अब देखिए पहला पाठ योजना निर्माण में क्या होता है, छात्र अध्यापक को एक शिक्षण कौशल जैसे वर्णन करना, व्याख्या करना, प्रश्न पूछना आदि में से किसी एक जिससे कि छात्र अध्यापक को सीखना है का ज्ञान उसे प्रशिक्षण की परिस्थिति में कराया जाता है और उस पर आधारित सूक्ष्म शिक्षण की पाठ योजना तैयार की जाती है। दूसरा हो गया द्वितीय सोपान में कक्षा शिक्षण आता है, छात्राध्यापक छोटे से पाठ को अपने सहयोगी छात्रों द्वारा 5 मिनट 6 मिनट तक 6 मिनट तक पढ़ाता है, यह सोपान सूक्ष्म शिक्षण की शिक्षण सत्र कहलाती है। अगला है ये सत्र प्रतिपुष्टि हो गया कि छात्राध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ की प्रभावशीलता के विषय में पर्यवेक्षक द्वारा एक विशेष रूप से विकसित मूल्यांकन प्रपत्र की सहायता से जानकारी दी जाती है या संपूर्ण पाठ को ऑडियो टेप के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है तथा पर्यवेक्षक परीक्षणार्थी को ऑडियो टेप सुनाकर उसकी कमियों को इंगित कराता है। शिक्षण की समाप्ति के पश्चात छात्राध्यापक के साथ पर्यवेक्षक मूल्यांकन प्रपत्र की सहायता से पाठ की प्रभावशीलता पर विचार विमर्श करता है। इस प्रकार पर्यवेक्षक छात्राध्यापक तुरंत प्रतिपुष्टि प्रदान कर। अगला है पुनः पाठ योजना बनाना, प्रतिपुष्टि के तुरंत बाद छात्राध्यापक सुझाए गए विचारों के आधार पर फिर पाठ को पुनः नियोजित करता है। सूक्ष्म शिक्षण का यह सोपान पुनर्योजना सत्र कहलाता है। अगला है पुनर्शिक्षण, पुनर्योजना के बाद पुनर्योजित पाठ को उसी के समान स्तर के दूसरे समूह पर पुनः शिक्षण कराया जाता है, यह सोपान पुनर्शिक्षण सत्र कहलाता है। लास्ट है आपका पुनः प्रतिपुष्टि, पुनर्योजित पुनर्शिक्षण पाठ को पुनः पर्यवेक्षित कर पर्यवेक्षक छात्र अध्यापक से फिर पाठ संबंधी विचार विमर्श करता है और पुनः प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। इसमें आपका आता है सूक्ष्म शिक्षण के आधारभूत कौशल कौन कौन है, तो कौशल में आपका कौन कौन होता है तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें प्रस्तावना कौशल क्या है कि किसी भी शिक्षण की शुरुआत का प्रथम जो चरण होता है उसे प्रस्तावना कहते हैं, यह अर्थात किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले प्रस्तावना बनाना चाहिए। प्रस्तावना से तात्पर्य विषय वस्तु की सामान्य जानकारी से होता है। प्रस्तावना कौशल के प्रयोग से सर्वप्रथम शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों की जानकारी लेने के लिए प्रश्न करता है और उसके बाद उसके पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ते हुए शिक्षण करता है। प्रस्तावना कौशल में ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है। भारत पाठ पढ़ा रहा है तो प्रस्तावना कौशल का प्रयोग इस प्रकार करेंगे कि विश्व के कुछ देशों के नाम बताइए, यह किस देश का मानचित्र है, हम किस देश में रहते हैं। अब आते हैं कक्षा के प्रबंधन कौशल में, कक्षा में छात्रों के बैठने के तरीके से लेकर कक्षा में छात्रों में अनुशासन तथा छात्रों की शिक्षण प्रक्रिया में रुचि बनी रहे, इन सब का प्रबंध करना कक्षा प्रबंधन कौशल के अंतर्गत आता है। अगला है श्यामपट कौशल कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा श्यामपट का सही तरीके से प्रयोग करना ही श्यामपट कौशल के अंतर्गत आता है। शिक्षक द्वारा श्यामपट पर चौक द्वारा 45 डिग्री के एंगल पर लिखना चाहिए। छोटी कक्षा के लिए श्यामपट कौशल अति आवश्यक होता है। श्यामपट पर जो कुछ लिखना चाहिए वो स्पष्ट, स्वच्छ एवं सीधी लाइन में लिखना चाहिए। अब आते हैं उत्पन्न परिवर्तन कौशल कि छात्रों का ध्यान टॉपिक में बना रहे, इसके लिए अध्यापक को अपने शरीर के संचालन, अपने हाव भाव में परिवर्तन, स्वर में उतार चढ़ाव, छात्र शिक्षक की अंतःक्रिया में परिवर्तन आदि करता है, ये सब क्रिया उत्पन्न परिवर्तन कौशल के अंतर्गत आता है। अब आते हैं हम लोग पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत कि किसी ऐसे पुनर्बलन का प्रयोग करना या पहले से किए गए पुनर्बलन को हटाना जिससे छात्र शिक्षक की अनुक्रिया बनी रहे, ये पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत, जैसे छात्र को शाब्दिक और अशाब्दिक पुनर्बलन देना। अब देखते हैं खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, यदि कोई छात्र किसी प्रश्न का उत्तर न दे पा रहा है हो तो उससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न पूछता है तो पहले प्रश्न से संबंधित हो जिससे छात्र अपने पूर्व ज्ञान को अपने टॉपिक से जोड़ सके। अगला है उद्देश्य कथन, हम जानते हैं कि शिक्षण कार्य हमेशा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, इसके लिए कक्ष में शिक्षक द्वारा जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है उसका एक अपना निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, इसे ही उद्देश्य कौशल कहते हैं। अगला दृष्टांत या उद्देश्य कौशल लिखा है, यदि दीक्षांत या उदाहरण कौशल है
दृष्टांत या उदाहरण कौशल लिखा है। यदि कोई टॉपिक बच्चों की समझ में ना आ रहा है तो उसको उदाहरण के माध्यम से बच्चों को समझाना या दिखाना चाहिए। जैसे किसी कहानी के माध्यम से कोई चित्र, मानचित्र, वास्तविक उदाहरण, प्रायोगिक उदाहरण का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चों में करके सीखने की रुचि उत्पन्न हो सके। व्याख्यान कौशल, हम जानते हैं कि व्याख्यान कौशल बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी होता है। व्याख्यान पूर्व ज्ञान से संबंधित रुचिपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। अगला शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग कौशल, इस कौशल के अंतर्गत शिक्षकों को दृश्य सहायक सामग्री कुशलतापूर्वक प्रयोग करना आता है। जो भी वो सहायक सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं वो पाठ्यक्रम के अनुरूप हो, रोचक हो, उद्देश्यपूर्ण हो तथा सस्ती हो। अब आते हैं इकाई योजना जो आपका है। देखिए इकाई योजना क्या होता है, तो देखिए लिखा हुआ है इकाई योजना क्या है। तो लिखा है कोई भी अध्यापक को अपने अध्यापन की सफलता के लिए इकाई की एक सही योजना बनाना बहुत जरूरी होता है। इकाई योजना बनाने से कोई भी अध्यापक के लिए बहुत उत्साहपूर्वक तथा फलदायक अनुभव हो सकता है। इकाई योजना बनाने के लिए यह जरूरी है कि अध्यापक में शैक्षिक योग्यता, सामाजिक एवं व्यवहारिक मूल्य, अध्येता का ज्ञान, विषय वस्तु ज्ञान एवं शिक्षण विधियों का ज्ञान हो। किसी विषय वस्तु के एक इकाई को उप इकाई में बांटकर उस इकाई को पढ़ाने की जो योजना होती है उस इकाई योजना का, जैसे चैप्टर अध्याय 7 को सब यूनिट 7.1, 7.2, 7.3 इत्यादि में पढ़ाने की, 83 में बांटकर चैप्टर 7 को पढ़ाने की योजना। इकाई योजना का अध्ययन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक का है। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र या पूर्णकालीन। इकाई योजना के तहत हम संपूर्ण से अंश की ओर बढ़ते हैं, जो कि शिक्षण का एक मूल्यवान सूत्र है। इकाई योजना में विषय वस्तु की मात्रा अधिक हो तो उसे सुसंगठित अंशों में विभाजित करना उपयुक्त होता है, ताकि विषय वस्तु में एकता भी नष्ट न हो और साथ ही शिक्षार्थियों को उनकी सरलता का भी बोध गम होगा। इकाई योजना को शिक्षण क्रिया में शामिल करने का श्रेय शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर H.C. मॉरिसन को जाता है। इसका अर्थ हम परिभाषा देखते हैं। इकाई योजना से तात्पर्य ऐसी योजना से होता है जिसके अंतर्गत विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर एक योजना बनाई जाती है। अर्थात इकाई योजना एक प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक को जो कुछ भी पढ़ाता है और जिस प्रकार से पढ़ाता है उसका चयन करना, व्यवस्था करना, अनुकर्मण करना, मूल्यांकन करना तथा पुनरावृत्ति करना सम्मिलित है। बहुत सारे शिक्षाविदों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर इकाई योजना के निम्नलिखित परिभाषा गुड के अनुसार डेफिनेशन है। इकाई योजना से तात्पर्य उन विभिन्न क्रियाकलापों, अनुभवों तथा अधिगम सामग्रियों से है जिसे शिक्षक के नेतृत्व में विद्यार्थियों के लिए प्रकाश में लाया जाता है। दूसरा है बोरिक के अनुसार इकाई योजना जो कुछ भी अध्यापक पढ़ाना चाहता है उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना है। पोस्टेन के अनुसार डिफिनीशन है आपका, इकाई योजना एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है। अब आते हैं इसकी विशेषता में, इकाई योजना की निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। पहला, इकाई योजना का स्वरूप बोधगम एवं व्यापक है तथा छात्र अधिक से अधिक एकाग्रचित्र होकर पाठ वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा, एक अच्छी इकाई योजना विद्यार्थी में सहयोग, नेतृत्व, विनम्रता, सहनशीलता आदि गुणों का विकास करने में सहायता होती है। इकाई योजना का स्वरूप व्यवहारिक होता है। इकाई योजना दैनिक शिक्षण के लिए आधार प्रदान करता है। एक अच्छी इकाई योजना धन एवं समय की दृष्टि से कम व्ययी होता है। इकाई योजना में नवीन समस्याओं एवं परिस्थितियों में विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तित कर सकने की क्षमता होती है। अब आते इकाई योजना की आवश्यकता, इकाई योजना की निम्नलिखित आवश्यकता भरी। पहला, शिक्षण को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए, पाठ को सरल, स्पष्ट, रुचिकर एवं आकर्षक बनाने के लिए इकाई योजना के द्वारा शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी कर लेता है। इकाई योजना बनाने के दौरान कक्षा में शिक्षणीय क्रिया एवं सहायक सामग्री की पूरी जानकारी हो जाती है। इकाई योजना के द्वारा प्रस्तुतिकरण का क्रम एवं पाठ वस्तु के रूप को निश्चित कर दिया जाता है। इकाई योजना शिक्षण उद्देश्यों एवं प्रशिक्षण परिस्थितियों का निर्धारण करती है। हो गया, अब इसके निर्माण के चरण देखते हैं। इकाई योजना के निर्माण में निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है। पहला, किसी इकाई का अध्याय का चयन, अध्याय का इकाई को उप इकाई में बांटना, प्रत्येक उप इकाई के लिए अधिकतम उद्देश्यों का निर्माण करना। चौथा, प्रत्येक उप इकाई के लिए घंटों, पीरियडों की संख्या, मुख्य शिक्षण विधि, अधिगम, अध्यापन क्रियाकलाप, शिक्षण विधि आदि को समाहित करते हैं। अपने मूल्यांकन प्रश्नों की योजना बनाएंगे और उन्हें तैयार करेंगे। ये सब पांचवा होगा। अब लास्ट में आते हैं इसकी फॉर्मेट, इसका लाभ क्या है। इकाई योजना से निम्नलिखित लाभ है। यह संपूर्ण विषय वस्तु एवं दैनिक पाठ को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अत्यंत उपयोगी है। इकाई योजना शिक्षण उद्देश्य, विषय वस्तु, अध्ययन, अध्यापन क्रिया और दैनिक पाठ योजना हेतु यह आवश्यक सामग्री
शिक्षण विधि मूल्यांकन आदि का आधार पत्र है। अगला, इकाई योजना से एक इकाई अन्य इकाई से संबंध होती है। इकाई योजना में विषय वस्तु की दृष्टि में समग्रता होती है जो अपने आप में एक संपूर्ण अनुभव पर आधारित होता है। इकाई योजना शिक्षण प्रक्रिया में विषय वस्तु को क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित करने में प्रस्तुत करती है। अगला है, बालकों के लिए निर्देशात्मक एवं चरात्मक शिक्षण की व्यवस्था इकाई योजना करती है। इकाई योजना द्वारा समय, शक्ति एवं सहायक सामग्री के अनावश्यक अपव्ययन पर रोक लगाई जा सकती है। अब इसके फॉर्मेट देखते हैं। प्रारूपीय ढांचा तैसे यहाँ बनाइएगा, कक्षा, विषय, इकाई का नाम, उप इकाई की संख्या, समय अवधि, प्रतिकलांक, निर्धारित क्लासों की संख्या, दिनांक हो गया, विद्यालय का नाम हो गया, शिक्षक अध्यापक का नाम हो गया, फिर विषय अध्यापक का नाम, इकाई उप इकाई हो जाएगा, शिक्षण बिंदु हो गया, शिक्षक क्रियाएँ, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, गृह कार्य, मूल्यांकन, ऐसे आप फॉर्मेट बना लीजिएगा। ठीक है, शिक्षण कौशल तो आपको पूछता नहीं लेकिन थोड़ा पढ़ा देते हैं, समझे। करा है कि हम जानते हैं कि शिक्षण कला है तो वही अधिगम क्या है, विज्ञान है। इसीलिए वर्तमान समय में अच्छे शिक्षक तैयार करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे उनमें शिक्षण के लिए आवश्यक कौशलों को विकसित किया जा सके। कोई अध्यापक इन्हीं कौशलों का प्रयोग कर कक्षा में प्रभावी शिक्षण कर अच्छे शिक्षक बन सकता है। जिस प्रकार एक सैनिक या योद्धा को युद्ध क्षेत्र में हथियार चलाने के सभी कौशलों में निपुण होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार एक सफल शिक्षक होने के लिए शिक्षण कौशलों की जानकारी होना आवश्यक है। अतः एक अध्यापक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह शिक्षण कौशलों का संप्रत्यय को समझे, उनकी अवधारणा से परिचित हो और उन शिक्षण कौशलों पर उनका पूर्ण अधिकार प्राप्त करने में समर्थ हो, तभी वह एक सफल, निपुण, प्रभावी शिक्षक बन जाता है। अब इसका अर्थ हम परिभाषा देखते हैं कि शिक्षण कौशल का अर्थ है कि प्रत्यक्ष रूप से अध्यापक अधिगम को सरल एवं सहज बनाने के उद्देश्य से किए जाने वाले शिक्षण कार्य के व्यवहारों का समूह शिक्षण कौशल कहलाता है। अर्थात शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना, सहायक सामग्री का प्रदर्शन करना, पुनर्मूलन देना, उदाहरण प्रस्तुत करना आदि कार्य करने होते हैं जिसके द्वारा वह अपने शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुगम एवं रुचिपूर्ण बना सके। इन्हीं संपूर्ण प्रक्रिया को शिक्षण कौशल कहा जाता है। विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय मनोवैज्ञानिकों को ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर शिक्षण कौशल के निम्न परिभाषा दिए हैं। पहला, बीके पासी के अनुसार कि शिक्षण कौशल उन परस्पर संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है जो विद्यार्थियों के अधिगम में सहायता देता है। दूसरा, व्हाइट के अनुसार कि शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहारों से संबंधित वह संपूर्ण स्वरूप है जो कक्षा के अंतर क्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों का जन्म देता है जिससे सीखने में सुगमता प्रदान हो। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार है कि शिक्षण और कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण को प्रभावी तथा सक्रिय बनाता है। अगला है, NL Cage के अनुसार कि शिक्षण कौशल के वे अनुदात्मक क्रियाएं और विधियाँ हैं जिनका प्रयोग शिक्षक अपनी कक्षा में अधिगम को सरल एवं सुगम बनाने के लिए करता है। अगला, आनंद राज के अनुसार कि शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करते हुए अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण, रुचिपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसे शिक्षण कौशल कहते हैं। इसकी विशेषता देखते हैं। पहला है, आपका शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। शिक्षण कौशल के प्रशिक्षण से शिक्षण के व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। शिक्षण कौशल कक्षा में शिक्षक की परिस्थिति उत्पन्न करती है। चौथा, शिक्षण कौशल शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। अगला, शिक्षण कौशल विषय वस्तु को सरल एवं सुगम बनाती है। शिक्षण कौशल विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में से अब इसके प्रकार में प्रस्तावना ये सब आपको पढ़ा दिए हैं। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग में एक सेम वही है, उसको कर दीजिए। अब देखिए, ये तो यूनिट 2 क्लियर हो गया। यूनिट 3 में देखिए, इसका हम नहीं करवाएंगे। आप C9 में वो चीज़ हम आपको पढ़ा दिए हैं, समझे। आज C9 का वीडियो बनाएंगे आज, तो हो सकता है लेकिन C9 में आपको पढ़ा दिया क्या क्या पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिए। मापन पढ़ लीजिएगा, मूल्यांकन पढ़ लीजिएगा, समझे। मापन या मूल्यांकन के उपकरण पढ़ लीजिएगा, समझे। विशेषता ये सब आ जाएगा आपके इसी में। फिर उसके बाद उपलब्धि परीक्षण, निर्धनात्मक परीक्षण, गेस किए क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो ये सब जो पढ़ लीजिएगा आपका आराम से क्वेश्चन लिखा जाएगा। एक तो मापन मूल्यांकन से क्वेश्चन रहता ही रहता है। उपलब्धि परीक्षण हुआ आपका, सतत व्यापक मूल्यांकन हुआ, निर्धनात्मक परीक्षण हुआ या योगात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन पूछता है, तो ये सब क्वेश्चन आपका रहेगा। देख लीजिएगा, समझे। आपका एक कर लीजिएगा, इतना आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, समझे। थैंक यू।